नमस्कार, टीवी नन दिल्ली एनसीआर में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली का मूड। और आज दिल्ली का मूड क्या है एमसीडी चुनाव को लेकर, जब एमसीडी चुनाव आएंगे तो दिल्लीवासी किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, यही जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं सिद्धार्थ नगर वार्ड नंबर 56S में। मैं विवेक शर्मा यहां के लोगों से बातचीत करूंगा और ये जानूंगा कि जब एमसीडी चुनाव आएंगे तो किन मुद्दों को लेकर ये लोग वोट करने वाले हैं। सीधे बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से, जब एमसीडी चुनाव आएंगे तो आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देखिए, एमसीडी चुनाव जो आने वाले हैं इसके लिए मुख्य जो होती है समस्या वो ये होती है सीवर की, पानी की व्यवस्था होती है। आने वाले अभी कुछ टाइम पहले इतना गंदा पानी आ रहा था कि नाले का ही पानी घर में आ रहा हो, मोटर ऑन करो नाले का पानी से अंदर आता था। ये मूलभूत समस्याएँ जो देश के आज़ाद होने के बाद आज भी हमारे सामने खड़ी हुई है। तो हम अगर ऐसी स्थिति हमारे साथ रही आगे भी तो हम ऐसे आने वाले चुनाव के अंदर उस प्रत्याशी को वोट देंगे जो निर्दलीय खड़ा हो, किसी पार्टी का ना हो। क्योंकि पार्टी वाले क्या करते हैं, बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और चले जाते हैं। हमारे जो क्षेत्र का जो मूल व्यक्ति होगा अगर वही हमारे क्षेत्र में खड़ा होता है तो वो हमारी समस्या को समझ सकता है। तो हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारे क्षेत्र का ही हो, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो। अच्छा, कोई भी ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो काम करेगा आपके लिए? हमें क्या चाहिए, काम चाहिए। वोट देने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप वोट देकर जीत जाओ और भूल जाओ हमारे को। वो व्यक्ति जो हमारे लिए काम करेगा, हमारा मीन्स इसका मतलब ये है कि समाज के लिए काम करेगा, उसको हम आगे वोट देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, सपोर्ट भी करेंगे। अगर पहले की बात की जाए तो कितना काम आपके इलाके में हुआ है और क्या काम बच गया, क्या लगता है आपको? पिछले तो 5 साल से समझ लो कुछ हुआ ही नहीं, 10 साल से मान के चलेंगे, लेकिन फिलहाल 5 साल हम ये बोल सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। जो पहले काम था उसी पर ही कंटिन्यू गाड़ी चल रही है और कोई नया काम ऐसा नहीं हुआ है। ये गड्ढे देख लो, जिस सड़कों पर कोई करने आता ही नहीं है, पानी भर जाता है, बारिश आती है तो सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, घरों में घुस जाता है पानी, लोग बागों के अंदर रहने की व्यवस्था नहीं होती, गंदा पानी होता है, तो कोई है ही नहीं जी पूछने पाने वाला। अभी कोरोना काल के अंदर ना तो हमारे MLA साहब थे ना हमारे काउंसलर थे, यहाँ पर आम पब्लिक बेचारे अपने घरों में जाकर दुख के बैठ रहे, कोई सपोर्ट करने भी नहीं आया। तो हमारे जो समस्या यही है जी मूलभूत, उनको पूरा कर दे उसी को हम देंगे चाहे कोई भी हो। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या सोचते हैं आप, जैसे MCD चुनाव जब आएंगे तो किन मुद्दों को सोच कर आप वोट करने वाले हैं कि ये मुद्दे रहेंगे मेरे जहन में और तब मैं वोट करूँगा? सर, आने वाले MCD चुनाव में हमारे पास बड़े बड़े काफ़ी मुद्दे हैं, लोगों ने वादे तो बहुत किए हैं लेकिन उन वादों पे कोई खड़ा कभी नहीं उतरा है। अभी मैं आपके कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि वो पीछे खंबे की तरफ दिखाएं, एक स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, हमारी सड़कों को दिखाएं जो गड्ढे हो रखे हैं, स्ट्रीट लाइट के नाम पे बस मजाक बना रखा है खंबों को, ना बिजली ना पानी ना कुछ। स्ट्रीट लाइटें हैं लेकिन लाइटें एक भी नहीं जलती हैं इस एरिए के अंदर में। हमने यहाँ पर 4 से 5 साल से हमारे जो काउंसलर हैं MCDE में कांग्रेस पार्टी की, वो एक काम नहीं करती हैं। हमने हर पार्टी को इस्तेमाल कर लिया, इस बार हम चाहते हैं कि हमारे के लोकल क्षेत्र का कोई बंदा हो जो यहाँ पर खड़ा हो इस तादाद में, कि जो हमारे फेवर में काम करे, हमारे लोगों के लिए काम करे। हमारी सबसे बड़ी चाहत ये है कि हमारे जो वादे किए जाते थे कि भैया हम आपके यहाँ पे सड़कें अच्छे कर देंगे, सड़कों की आप हालत देखो, कैमरामैन को कहूँगा वो सड़कें दिखाएं कि सड़कों की कितने बुरे हालात हो रखे हैं, उन सड़कों की इतनी बुरी स्थितियाँ हैं, ठीक है। दूसरा, लाइट नहीं है, पानी, आप यहाँ कभी बरसात के टाइम पर आएंगे ना सर तो आपके कमर तक का पानी यहाँ पर आपको नजर आएगा। एक चीज़ पूछूंगा, देखो आज की डेट में देखा जाता है कि शिक्षा को लेकर बात की जाती है जी, आपके यहाँ पे MCD जो स्कूल हैं उनकी क्या स्थिति है और दिल्ली सरकार के स्कूलों की क्या स्थिति है? सर, अगर आपके पास वक्त होता ना, ज़्यादा नहीं 10 मिनट में आपको मैं MCD स्कूल है हमारे बगल में ही है 10 कदम में, तो उस स्कूल की स्थिति आपको दिखाता तो आपको समझ में आता कैसी स्थिति है उस स्कूल में। ना तो आपको गेट में ताले मिलेंगे, ना ठीक तरह की उसकी व्यवस्था रहने की, ना बच्चों के पढ़ने की, ना खेलने कूदने की, घासों के नाम पर लोगों के 5-5 फीट के आसपास घासें उगी पड़ी है MCD स्कूल में। बाहर इतनी गंदगी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और एक तो अवैध कब्जा वहाँ पर हद से ज़्यादा कर रखा है, और करने वाले कौन, MCD के खुद लोग कहते हैं कि कौन, हम तो अपने दर्शना पार्टी के समर्थन में करके करते हैं कि हमारे टाइम आने वाले जो MCD के इलेक्शन है उसमें जो हमारी अपकमिंग पार्टी होगी वो कोई निर्दलीय पार्टी से खड़ा हो बंदा, जो हमारे लोकल क्षेत्र का बंदा होना चाहिए कि जो समझे हम लोगों को कि हमारी परेशानी क्या है। मुख्य मुद्दों की बात कर लूँगा मैं आपसे, मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके जहन में? मुख्य मुद्दे हमारे यहाँ पर रहने वाले, एक तो सबसे पहले सीवर लाइन सर, यहाँ पर सीवर लाइन आपको सड़कों पर मेन सड़कों पर दिखेंगे, बाकी गली मोहल्लों में कहीं सीवर लाइन नहीं है। यहाँ जो छोटी गलियाँ स्ट्रीट लाइट के नाम पर कोई स्ट्रीट लाइट नजर नहीं आती है। कैमरे बोले गए थे, मतलब वो तो एम विधायक साहब की तरफ थे लेकिन वो कैमरे भी हमारे नजर नहीं आते हैं एक भी गलियों में। आप किसी भी चौक चौराहे पर कैमरे दिखा दीजिए, यहाँ इतने हादसे होते, इतनी गाड़ियाँ चोरी होती हैं, कोई पता नहीं चलता है, और लोग यहाँ पर पता ही नहीं चलता लोगों को कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था के लिए लेकर के। सर आप सोचे ना, इतनी बड़ी सोसाइटी है, लोगों की गाड़ियाँ घरों में, अब तो लोग रहते हैं घरों में, गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, लोग गाड़ी अपनी सड़कों पे खड़ी करते हैं, ना कोई कैमरा नजर आ रहा है यहाँ पे, आप ही बताइए। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट के नाम पर मजाक कर रखा है, कोई स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, आप ही बताइए कि यहाँ पर सुरक्षा है, आप बता दीजिए किस मुद्दे से हम लोग सुरक्षा को माने। बाकी तो हमारा यही कहना है कि आने वाले टाइम में बेसिकली एक तो हमारा सड़कें, दूसरी सीवर लाइन, तीसरी स्ट्रीट लाइट, चौथी आपकी CCTV कैमरे की सिक्योरिटी, बस ये हमारे मुद्दे हैं मेन MCD चुनाव में।
और लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या चलने वाला है जब MCD चुनाव आएंगे? तो अब तक तो जितने भी रहे हैं MCD के यहाँ पर, बिल्कुल काम नहीं करा उन्होंने, बिल्कुल काम नहीं करा। रोडों की हालत बेकार है, स्ट्रीट लाइट ऐसी जगह लगा रखी हैं जहाँ पर या तो अपने कार्यकर्ता को वहाँ लगा रखी हैं गलियों में जहाँ जुड़ती नहीं है। आपके साथी ने बताया स्ट्रीट लाइट की सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ जुड़ता है वहाँ स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। अच्छा जुड़ता ही है वहाँ का अपने पार्टी कार्यकर्ता उन्होंने दे दिए कि यहाँ लगा दिया, और अपने और कैमरे भी ऐसी जगह लगवाए जहाँ उनके कार्यकर्ता हैं, बाकी जहाँ जुड़ता है वहाँ नहीं लगवाए कि मतलब पब्लिक के लिए रोड पे चौक पे कहाँ कैमरे लगने चाहिए, वो उसको कोई व्यवस्था नहीं है। अपने घरों में लगवा दिए हैं ताकि अपने घर की व्यवस्था हो, बस ऐसे उन्होंने काम किया हुआ है। स्कूल की हालत ये है कि आजकल जितने भी स्कूल हैं बिल्डिंग तो अच्छी बना दी गई हैं, अब सो टीचर नहीं है या प्रिंसिपल नहीं है तो बिल्डिंग अच्छे करने से पढ़ाई में क्या फ़र्क पड़ता है उससे? बिल्डिंग तो आप ऐसे जाके बच्चे जाके बैठ जाते हैं, बच्चा के पढ़ाई कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए, कर दिए, स्कूल बनाने से कुछ नहीं होता, स्कूल में टीचर होने चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए स्कूल के अंदर। डिस्पेंसरी की बात कर लें, आपके यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक होगी उसकी बात करें तो उसकी क्या स्थिति है? यहाँ डिस्पेंसरी एक बहुत बड़ी डिस्पेंसरी जगह, बहुत अच्छी जगह डिस्पेंसरी के लिए, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सर आपको मोहल्ला क्लिनिक अगर देखना है, मोहल्ला क्लिनिक में जाइए आप, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर ढंग से बात नहीं करता, कोई जैसे कोई मरीज आता कोई उससे ढंग से बात नहीं की जाती, हर आधार कार्ड ले लेते हैं, सबको लेते हैं, दवाई वही लिख देते हैं, हर बार जाओ वही दवाई लिख देंगे, कोई चेकअप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक आपको देखना है सर, तो ये सामने स्ट्रीट दिख रही है ना, ये तो जस्ट राइट साइड में टर्न होती है मोहल्ला क्लिनिक है, वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे। अगर आपके पास वक्त होता तो आप वहाँ देखते कितना बुरी हालात है उस मोहल्ला क्लिनिक की, नशेड़ियों का अड्डा बना रखा है। और मोहल्ला क्लिनिक मैं कहता हूँ कोई आम आदमी पार्टी का लोकल बंदा हमें दिखा दे कि यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक वर्किंग है इस एरिया में, वार्ड नंबर 56 है इसके अंदर में, तो मैं उसके सर के मतलब कहते हैं ना जूता अपने सर पर रख के घूमूंगा, तो मुझे दिखा दे यहाँ पर एक भी वहाँ मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कुछ भी नहीं है, नशेड़ियों का अड्डा बना रखा है। आश्रम रोड पर चले जाओ वहाँ पे कुत्तों का रहने का रेन बसेरा बना रखा है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखो ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ 15 साल से कांग्रेस की निगम पार्षद रही और उसने सीवर का भी कोई काम तो उसका अधीन आता नहीं है, ये आता दिल्ली सरकार के अधीन, उसके अधीन जो भी पार्क आते हैं MCD के स्कूल आते हैं उनकी जर्जर हालत हुई पड़ी है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, पार्कों में जाओ। आपकी क्या समस्या है, मेन आपकी समस्या है? एक बार आप जैसे आप वोट करने जाएंगे, मान लीजिए जब MCD चुनाव आएंगे तो किन मुद्दों को सोच के वोट करने वाले हैं कि हाँ ये मेरे मुद्दे हैं और इनको मैं वोट करने वाला हूँ? बात है ना कि बात पार्टी विशेष नहीं है, आदमी अच्छा होना चाहिए और उसको आदमी वोट करना चाहिए। बड़ी बात है कि आदमी अच्छा होना चाहिए जो आपके लिए काम करे। हाँ तो क्या सोच रहे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे, मुद्दे खास मुद्दे? मुद्दे ही रहेंगे बच्चों के लिए स्कूल दोबारा से रेनोवेट कराना, क्योंकि जो जर्जर हालत है उनको ठीक ही कराना पड़ेगा। ये MCD के स्कूल है यहाँ पर, क्योंकि हम और क्या है बताइए आप, आपके मुद्दे जाना चाहिए, पार्क ठीक होने चाहिए और यहाँ क्या कहते हैं बारात घर नहीं है कोई भी, बारात घर बनवाने का वो भी होना चाहिए। अरे सुनो सुनो वो सब है नहीं, वो बारात घर होना चाहिए और पार्किंग बहुत समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी चाहिए। मल्टी स्टोरी का देखिए डिमांड है कि मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है वो ये चाहते हैं कि बने, जिससे कि पार्किंग की समस्या जो है वो दूर हो, क्योंकि लोगों की गाड़ियां जो है वो सड़क पर खड़ी रहती है और लोग बताते हैं कि यहाँ पे चोरी होने की आशंकाएं जो है वो ज़्यादा बढ़ी रहती हैं। आपसे पूछेंगे सर MCD चुनाव जब आएंगे तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को सोचकर आप वोट करने जाएंगे? जो CCTV कैमरा है, जो भी नेता है अपने अपने घर के सामने लगा रखा है, अब देखो इस गली में कई गाड़ियां चोरी हुआ है, मेरे भतीजे का मेरे पोते का कई गाड़ियां चोरी हुआ है, पता नहीं ये कई लोग तो बोलते हैं सारे स्टाफ वाले भी मिले जुले हैं मिलके काम कर रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला, कई पल्सर गाड़ियां 2.5 लाख 3-3 लाख गाड़ी किस्तों में लेकर आते हैं चोरी हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कई गाड़ी इस लाइन में जहाँ से लेकर पूरा गिनवाए तो 10 गाड़ियाँ से ऊपर होगा, CCTV कैमरे दिखाई ना कुछ नहीं दिखता। अच्छा रात को जब पुलिस वाले बताते हैं रात को गश्ती लगाते कोई नहीं है, पूरा कैमरा खोल के देखा तो कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, क्या सिक्योरिटी है? कमरे तो मिली बगैर से बता रहे हैं चोरियाँ हो रही है तो कमरे हाँ जी FIR दे दो आपकी गाड़ी मिल जाएगी, ढूंढो बस हो गया कुछ नहीं। तो CCTV कैमरा जो अपने अपने घरों में लगा रखा है उन्होंने नेताओं ने, ये सड़क के लिए ये पब्लिक काम के लिए नहीं लगा, सबसे बड़ी बात CCTV कैमरा जो है उसे चालू रखो, पब्लिक के लिए रखो, किसी निजी घर में मत लगाओ। मैं नेता हूं तो मेरे घर के सामने लगेगा क्या, पड़ोसी के नहीं लगेगा क्या, सबको लगने चाहिए ना, पब्लिक काम है तो मिलकर करने चाहिए, उस हिसाब से नहीं ये पक्षपात हो रहे हैं, पक्षपात हो रहा है। आप क्या सोचते हैं सर, आपके दिमाग में क्या चलने वाला है जब MCD चुनाव आएंगे तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं, आपके इलाके की समस्याएं क्या रहती हैं
उन चीज़ों को सोचकर, क्योंकि हमेशा एक इंसान कुछ सोचता तो है ही इस बात को लेकर। इसमें क्या मुद्दा है, क्या बताएंगे, हर साल यही मुद्दे है, क्या है, क्या ना जी, हमने कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं अगर एमसीडी चुनाव जब आएंगे तो आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्या सोच के वोट करेंगे आप? पहली बात तो सर, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में चोरी का पहला मुद्दा है कि चोरी गाड़ियाँ वगैरह चोरी होती हैं, इससे हमारे बचाव हो। दूसरा पानी है, बिजली है, पानी और बिजली मेन है आपका। अगर मैं ये पूछूँ कि पिछले समय में और क्या क्या काम हो गया और क्या क्या काम अधूरा रह गया, तो उसमें क्या सोचते हैं? जो काम हुआ है वो हुआ है 15 साल पहले, अभी उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। तो जो काम हर साल या 3 साल में होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए, वो काम नहीं हुआ है। वो आप भी देख लो, रोड देखो आपके सामने, रोड की फोटो लो, तो इसको भी मेंटेनेंस होना चाहिए। जो इनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके घर के आगे रोड वगैरह साफ बने हुए, इस एरिया में अभी रोड काफ़ी टाइम से नहीं बनाए, रोड नहीं बना है। कितने साल पहले बना था? 15 साल हो गए, बस 15 साल पहले रोड ही नहीं आपके यहाँ पे। आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चलने वाला है? चाहिए कोई अपना निर्दलीय बंदा खड़ा हो यहाँ पर। हमारे क्षेत्र में MLA वगैरह को नहीं जानते, क्योंकि आज तक वो आए ही नहीं है कभी। और यहाँ पर कूड़ा, MCT चुनाव की बात करें, हाँ जी, MCT चुनाव में सर हमारे यहाँ पर जो खत्ता है वो रोड पर खड़ा हो जाता है, पूरा बारिश के अंदर पूरा रोड जाम हो गया था, यहाँ सफाई नहीं है बिल्कुल। हाँ जी, बहुत ज़्यादा स्मेल है, मच्छरों के भी आतंक है, मच्छर भी, और यहाँ कूड़ा कबाड़ा बहुत ज़्यादा है सर, सफाई नहीं है। ये बात करते हैं कि दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, कहा जाता है कि नालियों में दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, और नालियों की स्थिति क्या है आपके यहाँ पर? सिर्फ नाम का है, यहाँ पर दवाइयाँ छिड़की जाती है, आप कहीं भी देख लेंगे, यहाँ भी कूड़ा घर है, वहाँ भी कूड़ा घर है, ठीक है। दोनों तरफ अगर बारिश हो जाए ना तो पूरा कूड़ा रोड पे आ जाता है, ठीक है। और इसके आगे MCD स्कूल है, बच्चे उसी कूड़ा में से होके MCD स्कूल जाते हैं, ठीक है। आगे मोहल्ला क्लिनिक है, आप उसकी कंडीशन देख लें, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि मतलब ऐसा वहाँ पे माहौल है ना कि जो लोग अच्छे भी जाते हैं ना वो मरीज़ बन जाते हैं वहाँ पे, ऐसा कंडीशन है वहाँ का, बहुत बुरा हाल है। और हम लोग ऑफिस जाने वाले बंदे हैं, अगर बारिश हो जाए तो हम ऑफिस नहीं जा पाते यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 1000 मीटर दूर महारानी बाग बस स्टैंड है, 500 मीटर दूर मेट्रो और आश्रम, ठीक है। इसमें इतने पानी भर जाते हैं कि हम वहाँ तक जा नहीं पाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या आपकी है पानी की लेकर, और पानी की लेकर, और नल पानी जो पीने वाला नल वाला है वो तो अलग है, क्योंकि उसमें 7 दिन में 3 दिन नाले का पानी आता है। अगर आप टाइमिंग चलने जब MCD चुनाव आएंगे तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? MCD चुनाव में जो हमारे मुद्दे हैं वो एक रोड को लेकर है, ठीक है। कूड़े घर की व्यवस्था अच्छी की जाए, कवर की जाए, ताकि वहाँ से बदबू, वहाँ से मच्छर और वहाँ से बीमारियाँ ना उत्पन्न हो। और तीसरी चीज़ रोड लाइट, जो हमारी स्ट्रीट लाइट हैं, क्योंकि हम लोग रात में आते हैं। अहम मुद्दा है स्ट्रीट लाइट, रोड, कूड़ा घर और पानी। आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या चलने वाला है, जो अगर MCD चुनाव जब आएंगे तो किन मुद्दों को सोच कर वोट करने वाले? सर, पहली बात मैं चाहूँगा कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारी ज़रूरतों को समझे, ठीक है। सर, आज का आप देखिए कि 8 साल हो गए हैं यहाँ पर, जो केजरीवाल जी की सरकार है उनको 8 साल से ऊपर हो गए, यहाँ पर MLA जो प्रवीण कुमार जी, यहाँ पर आज तक रोड नहीं डला है। अभी रोड डला है, जो मुश्किल 50 मीटर का डला होगा। सर, ऐसा कहाँ पर है, कौन से MLA का फंड से 50 मीटर रोड डलने का आता है? वो भी रोड ऐसा डला है जहाँ पे अगर बारिश हो जाए, सिर्फ एक बार बारिश हो जाए ना, वो रोड पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ ऐसा कोई अबकी बार की व्यक्ति खड़ा हो जो हमारी ज़रूरतों को समझे, लाइटें लगवाए, ठीक है सर, रोडों का डलवाए। मेन प्रॉब्लम क्या है सर, सीवर की हो गई। पानी आप देखें, केजरीवाल जी बोलते हैं पानी फ्री, क्या सर कहाँ का पानी फ्री? उसमें देखो सर, आप कितना गंदा पानी आता है, RO काम नहीं करते, उसका कुछ काम नहीं करते, इतना गंदा पानी आ रहा है। पानी की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, स्ट्रीट की लाइट की समस्या है, इतनी समस्या है कि हम बोल नहीं सकते। हम रोड पे निकल जाए तो पैर ख़राब। अब ऑफिस जाने वाले लोग क्या करेंगे सर? अब मॉर्निंग में निकल गए, बारिश हो गई, पूरे कपड़े ख़राब, शूज़ ख़राब, पानी इतना भरा पड़ा है, फिर वापस घर पर जाएंगे, इस ऑफिस की छुट्टी हो जाए, पेमेंट कटेगी, सैलरी कटेगी। तो हम ऐसे चाहते हैं सिर्फ ऐसा व्यक्ति आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी ज़रूरत को समझे, हमारा काम करे, लाइटें लगवाए, बिजली का जो भी है समस्या है वो सब का समाधान करे, हर चीज़ में मतलब हमारी ज़रूरत को पूरा करे। आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या चलने वाला है? इस क्षेत्र में 2 दशकों में अगर आप देखें तो छींटाकशी आप देखेंगे कि पार्टियाँ इधर से उधर छींटाकशी करती हुई दिखेंगी आपको। BJP आम आदमी पे, पहले कांग्रेस और BJP, जब से आम आदमी आए हैं तब से ये।
अगर आप बात करते हैं एमसीडी लेवल पे और ग्राउंड लेवल ब्लॉक लेवल पे, तो क्षेत्र को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वहाँ के बेसिक पॉइंट्स को समझे, ना कि ये चीज़ें पार्टियों में रह के सिमट जाएं। और जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, सभी यहाँ के रहने वाले मित्र हैं, सभी लोग हैं, इन्होंने बताया अच्छे से, सड़कें बुरी हैं, शिक्षा पे आप बहुत दावे करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक पे आप बहुत बातें करते हैं पर आपके मोहल्ला क्लिनिक अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो यहीं का हो, इसी समाज से निकला हो, इसी पॉइंट्स को समझे और जाने। तो मुझे लगता है कि अगर परिवर्तन की ज़रूरत है या परिवर्तन लाना है अगर हमें, तो कोई ऐसा जो यहाँ के दर्द को समझे, जो पेन को समझे। जब तक आप पार्टी खेलते रहोगे, अगर आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे, ये तो आप फुटबॉल खेल रहे हैं ना, एक पाले से दूसरे पाले में, कभी आप कांग्रेस हैं, कभी आप बीजेपी हैं, साहब इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा ना, परिवार से ऊपर, हिंदुवाद से ऊपर, अलग अलग चीज़ों से ऊपर उठिए ना, समाज सेवा भी तो देखिए। क्या इस इलाके में समाज सेवा की कमी है? अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र जी आपसे बात कर रहे थे, बहुत काफ़ी टाइम से यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग आगे नहीं आ सकते? क्या ऐसे लोग निर्दलीय रूप में आगे नहीं आ सकते? आपका बेटा आपका बच्चा, केजरीवाल आपसे हर बार कहते हैं आपका बेटा आपका बच्चा, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं, पर क्या केजरीवाल पूरे लेवल को देख पाएंगे? आपको अपने इलाके में तो अपना बंदा चाहिए ना। मुद्दे क्या मुद्दे, मुद्दे जो हैं बेसिक मुद्दे जो सबने बताया, स्कूल है सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ दिक्कत हुई है, मोहल्ला क्लिनिक, अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक का हाल बहुत बुरा है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जाइएगा, एक बार देखिएगा, चेक करिएगा कहाँ का मोहल्ला क्लिनिक हो, कितने चल रहे हैं। अगर आप अपनी रिपोर्टिंग में ये दिखाना चाहते हैं कि क्या रियलिटी है, निष्पक्ष तरीके से आप दिखाएं कि कितने मोहल्ला क्लिनिक और किस तरीके से चल रहे हैं, आपको अपने आप सच दिख जाएगा। एमसीडी स्कूलों की बात कर लें तो एमसीडी स्कूलों की बात सर ये समझिए, आप आपने इमारतें बना दी हैं, देश का भविष्य इमारतों से नहीं बनेगा, उसमें आपको शिक्षक भी लाने पड़ेंगे, भर्तियां भी करनी पड़ेंगी, एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही आपके सर बहुत चरमराई हुई है सर, यही बेसिक है और आपने बेसिक को ही तोड़ दिया है। तो ये आपका क्या नाम है? हेमंत। हेमंत क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, वोट देने जाएंगे 18 से तो ऊपर हो चुके होंगे। मैं 26 साल का हूँ। 26 साल के। तो क्या लगता है एमसीडी चुनाव में जब आप जाने वाले हैं तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे, क्या सोचेंगे? और फिर आपने सब चीज़ बोली है यहाँ पे सड़कों के बारे में, हर चीज़ के बारे में, लेकिन आज के टाइम पे हमारे यहाँ चोरी, नशे, लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप जगह जगह पे देखोगे हमारे यहाँ हर जगह पे चोरियाँ हो रही है, नशे हो रहे हैं, लड़के बैठे हुए हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पर कोई नहीं देख रहा, इन सब चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। अभी हमारे क्राइम एक इशू है, क्राइम भी एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्राइम, इस जगह पर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई देखता ही नहीं। स्थिति मान लें अगर चोरियाँ भी रिसेंटली चोरियाँ की जा रही हैं, बाइक चोरी की जा रही है, कैमरे में लोग आ रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। एक नई गाड़ी खरीदी है, परसों ही चोरी हुई, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे नॉर्मल रोड पे पूरा ट्रक फंस गया, इतना बड़ा गड्ढा हो गया, 4 दिन तक ट्रक फंसा ही रहा और किसी ने उसे देखा भी नहीं आके, लोगों ने अपने घर से ला के मलबे रखे हैं उसमें आके, हम लोग पब्लिक ने गड्ढे भरे हैं। उससे पहले चौक पे, इसी लाइन के चौक पे इतना ज़्यादा गड्ढा हो गया, किसी ने देखा ही नहीं, लोग गए हैं कंप्लेंट करने लेकिन किसी की सुनी सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं, लोगों ने बोला इग्नोर कर दिया गया, बात कोई सुन ही नहीं रहा है। हम चाहते कोई ऐसा आदमी खड़े जो बात सुने, उस पर काम हो। एजुकेशन में देख लो, अगर एमसीडी के स्कूल के बच्चे होते हैं और एक पब्लिक स्कूल के बच्चे देख लो, ऐसा क्या डिफरेंस है कि पब्लिक वाले बच्चे जो हैं सेकंड क्लास के फर्स्ट क्लास के बच्चे फुल इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, एजुकेटेड बात कर रहे हैं, ऐसा क्या डिफरेंस है कि एमसीडी के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं? ऐसा क्या होता है ना, उनको कोई देखा जाता है, टीचर आती हैं बैठती हैं हम लोगों से भी। आपके इलाके की बात कर लें, इलाके में आपके जहन में ये मुद्दे रहेंगे, एजुकेशन, हेल्थ और आपकी सड़कें, पानी। अच्छा। पानी की सबसे बड़ा मुद्दा है, पानी नहीं आता, आता है तो इतना गंदा पानी आता है, पीने के लिए पानी नहीं है। आरओ आप लगा लो, आरओ में फिल्टर होता है, उसमें भी पानी में स्मेल आ रही है। समस्या काफ़ी है पर समाधान कितना हुआ? समाधान कुछ भी नहीं है। आप कंप्लेंट करो, कंप्लेंट जाते हैं 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन हो जाते, कुछ सुनने वाला ही नहीं है, आगे देखते तक नहीं है। बस वो लोग आते हैं, उनके लिए प्रोग्राम कर दो, फेस्टिवल कर दो, उसके लिए आ जाएंगे, बाकी काम के लिए वो दिखते ही नहीं है। आपको क्या लगता है अगर आपके इलाके की बात करें और आपके जहन की बात की जाए, तो अगर एमसीडी चुनाव जब आएंगे तो आपके दिमाग में कुछ मुद्दे रहने वाले हैं कि हाँ भाई ये काम हुआ था और ये काम नहीं हुआ, ये बच गया, स्थिति ऐसी है? हमारे यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ सिर्फ नोटंग के अलावा। अम्मा मेरी सुनिए मेरी बात को, हमारे यहाँ भाई शौचालय चल के देख सकते हो आप कितना बुरा हाल है, ठीक है? और मैंने खुद ने कंप्लेंट दी, मैंने चलो जी हमारे सिविल लाइन डलवा दो झुग्गी में, बड़े भाई
हमने खुद ने जाके बोला, कंप्लेंट दी हुई है किसी भी लैंड डलवा दो, पानी लैंड डलवा दो, लेकिन कोई ढंग से काम नहीं करवाता। हाँ लिख के दे दे, लिख के दे रखी है कि एक साल तक हो गया, अभी तक दे रखी है। हमारे पूरे इलाके में आज हर दिन गाड़ी चोरी होती है, ऐसा कोई दिन नहीं चाहता जिस दिन गाड़ी चोरी ना हो, चाहे कोई सी भी गाड़ी चोरी हो, कार हो बाइक हो। और बाइक तो आए दिन कैमरे में आए हुए हैं लड़के, किस किसी के लिए है, फिर भी कोई नहीं पकड़ सकता। फायदा क्या है, सीसीटीवी कैमरे में वारदात सब कुछ नजर आती है पर लेकिन कुछ होता नहीं। सिग्नल दिखाई हुई है भाई साहब, हर किसी ने प्रूफ दिखा रखा, ये देखो ये सिग्नल आ रही है, क्यों नहीं पकड़ती पुलिस। शिक्षा की बात कर लें, शिक्षा की कैसे क्या, शिक्षा की तो भाई ऐसा है बिल्डिंगें बना रखी हैं, नो टेंशन, सिर्फ जाइए हाजिरी लगाइए जयराम जी की। हेल्थ की भी वही है, चले जाओ आप मोहल्ला क्लिनिक, वही प्रॉब्लम है। चार दिन पहले यहाँ पे लड़के ये सड़क डलवाई सर, ये चार दिन पहले कंप्लेंट देखिए, सिर्फ फिफ्टी गड्ढा हुआ था, बहुत बड़ा ट्रक ही दस गड्ढा ही ट्रक के अंदर घुस गया था, तो उसको सड़क डलवाया, अभी चार से पाँच दिन हो रहे उसको डले हुए, पूरा नहीं, वो थोड़ा सा इस तरह करके चले गए। आप यहाँ पे गड्ढा यहाँ पे भी तो डाल सकते हैं ना, वो देखो आप चार लोग नहीं डाला है, वो पड़ोसियों नहीं डाला है, वो मलबा भी लाला गया, चलो भाई वो गड्ढा तो कर दें, कंप्लेंट भी करिए, ऐसी बात नहीं किसी को कंप्लेंट ना कर रही हो। हाँ ठीक है भाई हो जाएगा काम, ठीक है जी हो जाएगा। शिकायत दी पर लेकिन समाधान कभी नहीं होता, समाधान कभी हो भी नहीं सकता भाई साहब, हमारा देश ऐसा हो गया, कोई करके ही राजी नहीं है। अब तो यह कोई अपने इलाके का बना लो नेताजी, वही ठीक है, वही निर्दलीय खड़ा कर लो, सबसे बढ़िया। इस बार कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं क्योंकि बचपन से सब पार्टी के ही लोग आके बन रहे हैं, तो अभी सोचा जा रहा है कि पब्लिक अपनी सेवा खुद कर रही है, पब्लिक को जो भी गलत लगता है वो खुद ही उसे आगे बढ़ के खुद ही करना पड़ता है, जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहा है। लोग आगे आप कभी आप एक बार देखते जब यहाँ पे गड्ढे हुए थे, मैं जो इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इतने सारे अभी जो मैं गड्ढे के पास इसलिए कर रहा हूँ, हमारे सामने एक्सीडेंट होते होते लोग बचे हैं, बाइक लोगों ने पूरी रात गड्ढे रहे हैं, वो हम लोगों ने खुद जाके रात रात में लगाए कि लोगों को पता चले कि यहाँ गड्ढा है, वो छोटा मोटा ने पूरे ऐसे ऐसे गड्ढे। चार बार कांग्रेस का देख लिया काउंसलर, आम आदमी पार्टी का करंट में विधायक है ही यही, और उससे काम तो इतने बच्चे हैं कि आप बच्चे से लेकर बड़े तक से मिल लो, वो सब गाली देंगे, गाली ही देंगे। ठीक है, बीजेपी यहाँ पर कोई चाहता नहीं, बीजेपी की पार्टी का कोई चाहता नहीं है, हम चाहते हैं यहाँ तक कोई ऐसा काउंसलर में हो निर्दलीय, जो काम करके दिखाए, जो हमारे बीच का हो, जो परेशानी को समझे, जो परेशानी समझे, मतलब ऐसा ऐसा उम्मीदवार हो कोई भी जो परेशानी समझे आपके समाधान कर आपकी समस्या। खड़े हो यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हो सबका, ठीक है बड़े भाई, आप भी देखना 10 मिनट बाद यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, आदमी आदमी के ऊपर चढ़ता हुआ निकल के दिखाई देगा, बताओ ये घर है, उसने रेडी खड़ी करवा रखी है तो 100 रुपये ले रहा है, सब्जी ले रहा है जयराम जी की, पुलिस भी कुछ नहीं कहती। भाई निकलेंगे कहाँ से, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए फिर कहाँ से निकलेगा, अभी आपके सामने एम्बुलेंस, नहीं तो आपको दिखा दूंगा मैं, अभी सब अपना बेनिफिट देख रहे हैं और बेनिफिट के अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं, रोडों पे गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। एक बात बताइए भाई, एनक्रोचमेंट की भी समस्या ज़्यादा रहती है, कौन सी जी यहाँ पे अवैध पार्किंग की समस्या भी, अवैध पार्किंग का सिस्टम भी है ना सर, कि अब जो मध्य वर्ग का परिवार है उसके पास 4-व्हीलर है सबके पास, और जो ये कॉलोनी जब बनी थी उस टाइम उसके हिसाब से क्या अनुदेश कब्जा भी हो गया, आज लोगों के पास गाड़ी हो गई, एक परिवार के पास 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं, तो वो क्या हुआ ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, इस पर बहुत जाम लग लगा है, उसके बाद गाड़ी लग जाती है, यहाँ से एम्बुलेंस निकालना बड़ा मुश्किल आता है, क्या हमको मदद करनी पड़ती है मशीन निकलवाने के लिए, तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। या सिद्धार्थ नगर इलाके के लोग हैं और ये वार्ड नंबर है 56S, यहाँ के लोग अपनी बात रख रहे हैं और समस्या बता रहे हैं, इनका साफ कहना है कि इनके जहन में कई मुद्दे हैं और जब MCD चुनाव आएंगे तो ये उन्हीं मुद्दों को सोचकर वोट करने वाले हैं। इसी तरह से हम लोग आपको दिल्ली के हर कोने में हर वार्ड में जाकर वहाँ के लोगों के बारे में बताएंगे और साथ ही उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे कि आखिरकार उनके जहन में जब MCD चुनाव आएंगे तो क्या चल रहा है उसको लेकर और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने वाले हैं। फिलहाल हमारा सफ़र लगातार जारी रहने वाला है। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 Delhi NCR, वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 Delhi NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 Delhi NCR।